नमस्कार दोस्तों, आज मैं अपने इस वीडियो में आप सबको बताऊंगा कि हमारे स्कूल के मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में आप उसमें एडमिशन की डिटेल्स, अपने बच्चों की डिटेल्स कैसे फिलअप कर सकते हैं। सो आप स्टेप बाय स्टेप बने रहे, मैं आपको सारी गाइड करूंगा इस वीडियो में। सो बढ़ते नेक्स्ट स्टेप पे की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने लॉगिन करेंगे कौन अपने स्कूल में। वी हैव टू फर्स्ट मूव टू एडमिन, पासवर्ड 1234, जो भी आप लोगों ने यूज़र आई डी पासवर्ड बना रखा होगा, हमने लॉगिन करना है। हमारा डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। पहले जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि इंक्वायरी कैसे बच्चों की पुट करनी है, जब भी कोई पेरेंट्स आते हैं इंक्वायरी पुट करते हैं, तो इंक्वायरी हमने कैसे अपने सॉफ्टवेयर में पुट करना, उसके कैसे डिटेल्स, कैसे रिपोर्ट्स निकालते रहना, हमने लास्ट वीडियो में बनाया। नेक्स्ट मैं आता हूँ कि जैसे इंक्वायरी करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, एडमिशन करना, बच्चों का एडमिशन फाइनल करना। तो हम एडमिशन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे देखिएगा, अगर जो भी आपकी लिस्ट रहेगी ऑलरेडी यहाँ पे आपको शो होती रहेगी, जो भी आपके पास अवेलेबल रहेंगे बच्चे। सपोज़ कीजिए मैं एक न्यू बच्चे की मैंने एडमिशन करनी है एज एग्जांपल। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमने एडमिशन नंबर दे रखा है। एडमिशन नंबर लाइक आपका बैंक अकाउंट नंबर, दैट इज़ सेम लाइक एज आवर एडमिशन नंबर। दैट इज एडमिशन नंबर जो एक है, जब तक बच्चा आपके स्कूल में स्टडी करेगा तब तक एडमिशन नंबर सेम चलेगा। सपोज़ मैं 201 रख लेता हूँ कोई भी बच्चे का एडमिशन नंबर। मैं बच्चे का नाम, क्लास कोई भी है, अगर एट ए टाइम हमने कोई भी न्यू क्लास भी बनानी है तो हम ऊपर प्लस साइन पे क्लिक करके क्लास भी बना सकते हैं। रोल नंबर, रूट अभी हमने नहीं दिया हुआ, वो आप रूट भी यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। बस, अगर आपके पास स्कूल में बस की फैसिलिटी है तो बस भी क्रिएट कर सकते हैं। कास्ट अगर देना चाहते हैं, बच्चा रेगुलर है, न्यू एडमिशन है, कोई भी कैटेगरी आप क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद जैसे यहाँ पे जेंडर है बच्चे का, बॉय गर्ल या अदर, तो वो भी फैसिलिटी हमारे पास। अब हमारे पास बच्चा ये आता कहाँ से है, सपोज कर लीजिए न्यू मॉडल टाउन से आता है बच्चा। हमारी सिटी क्या है, सपोज कीजिए आपकी न्यू दिल्ली है। ये कॉन्टैक्ट नंबर जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ये कॉन्टैक्ट हमारा जो रहेगा, ये प्राइमरी कॉन्टैक्ट रहेगा जिस पे आप पेरेंट्स को SMS ई भेज सकते हो, उनको एब्सेंट के डिटेल्स भेज सकते हो, कुछ भी हमने कॉल करना है तो वो भी हम सारा यहीं पे भेज सकते हैं। यहाँ पे हम बच्चे का बर्थ डेट जो भी रहता है, फादर डिटेल सपोज कीजिए, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन जो भी पेरेंट्स का है, पेरेंट्स का मोबाइल नंबर भी अगर वही सेम है तो सेम भी लिख सकते हैं, अलग है अलग से भी लिख सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ है, हमने यहाँ पे एनिवर्सरी दिया कि अगर आप पेरेंट्स को जैसे विशेष भी करना चाहते हैं तो वो भी हम यहाँ से, हमारे पास रिपोर्ट आएगी बर्थडे की, हम कर सकते हैं। मैरिज एनिवर्सरी डेट भी अगर आप लिखना चाहते हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन जो हमारा आता है वो मदर डिटेल। मदर डिटेल में आप मदर के नेम, फादर, मदर, पूरी डिटेल्स हम यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं। मैंडेटरी नहीं है, अगर आपके पास डिटेल्स हैं आप यहाँ पे पुट कीजिए। सपोज कीजिए जो भी है, ऑक्यूपेशन जैसे यहाँ पे मदर की, जो भी अगर आपके हाउसवाइफ है तो हाउसवाइफ लिखिए, जो भी मोबाइल नंबर है हम यहाँ पे डाल सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ उसी तरह मदर का भी डाल सकते हैं। हम यहाँ पे सिर्फ एंटर एंटर आप प्रेस करते जाएंगे, लास्ट लाइक एज अ फिल इन दी ब्लैंक्स, आपका ये सारा फॉर्म फिल होता जाएगा। अगर साथ में आप बच्चों का अटैच करना चाहते हैं, कोई भी फाइल ले रहे हैं, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट ले रहे हैं उनसे, TC सर्टिफिकेट्स ले रहे हैं, कोई भी आप ले रहे हैं, तो आप यहाँ पे स्कैन करके उसको यहाँ पे पुट कर देंगे और हमारे सॉफ्टवेयर में अवेलेबल रहेगा, कभी भी आप इन सबको देख सकते हैं। आप बच्चे की फ़ोटो भी अपलोड करना चाहते हैं वो भी यहाँ से कर सकते हैं। हमने यहाँ पे दोनों फैसिलिटीज़ दे रखी है, वेबकैम की भी फैसिलिटी है और अपलोड पिक्चर की भी फैसिलिटी है, तो यहाँ पे हम दोनों ही यूज़ कर सकते हैं। अगर जो भी यूज़ करना चाहते हो, एट ए टाइम लाइव पिक लेना चाहते हो, लाइव भी पिक ले सकते हो। देन हमारे पास यहाँ पे देखिए नेक्स्ट स्टेप, हमारे पास हम मूव कर सकते हैं आगे। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास और भी डिटेल, जैसे बच्चा लास्ट स्कूल वो कौन सा अटेंड करके आया है, ऑफिशियल इन्फो होगी आपकी कि आप जौन से स्कूल बच्चा लास्ट अटेंड करके आया, कितने परसेंटेज है, क्या लास्ट गिवन एग्ज़ाम क्या था, ईयर क्या था, पास हो क्या था या फेल हो क्या था, मार्क्स कितने, बोर्ड क्या था,
स्कॉलरशिप नंबर, स्टेटस यहाँ पे अगर आप देना चाहते हैं तो स्टेटस भी आप डाल सकते हैं कुछ भी यहाँ पे, डेट ऑफ एडमिशन, अगर लेजर उसका कुछ बैलेंस है तो वो भी आप डाल सकते हैं, कमेंट करना, आधार कार्ड नंबर, अगर इस टाइम जो मैंडेटरी है बच्चों का आधार कार्ड नंबर भी यहाँ पे आप पुट कर सकते हैं। अगर आप बायोमेट्रिक रेफरेंस आईडी के थ्रू अटेंडेंस पुट करना चाहते हैं तो वो भी हमारे में हेल्पफुल है। यहाँ पे हमने बच्चे को स्कूल में एक्टिव करना है, एक्टिव मीन्स हमारे स्कूल में बच्चा अभी स्टार्ट हो गया है। उसके बाद यहाँ पे अगर बच्चे के आप हेल्थ इन्फॉर्मेशन लिखना चाहते हैं, ठीक है, तो वो भी आप यहाँ से लिख सकते हैं, डेंटल हाइजीनिक, हाइट, वेट, विजन लेफ्ट राइट, अगर आपके पास हॉस्टल की भी फैसिलिटी है तो यहाँ पे आप होटल भी, हॉस्टल की भी डिटेल, जैसे हॉस्टल का बच्चे का हॉस्टल का रूम नंबर, बेड नंबर, यहाँ पे हम सारा यहाँ पे दे सकते हैं। इसी के साथ हम लोगों ने यहाँ पे सिबलिंग की भी फैसिलिटी दी है। अगर जैसे सपोज कीजिए कि बच्चे को सिबलिंग की भी चाहते हैं फैसिलिटीज़ यहाँ पे, कि बच्चे को कोई आप उनको डिस्काउंट प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि कैसे कैसे हम ये सारा इनको प्रोवाइड करते हैं। जस्ट आपने सिंपल सेव करना है, आपकी सेव हो गई। तुरंत ही अगर आपने प्रिंट लेना है तो आप तो उनको प्रिंट भी लेके दे सकते हो। ये देखिए बच्चे की पूरी डिटेल, जो जो भी हमने एडमिशन फॉर्म आप पेरेंट्स को दीजिए, पेरेंट्स प्रॉपर पूरा डिटेल क्या है, क्लास है, क्या लास्ट है, स्कूल है, हर चीज यहाँ पे लिख के आ जाएगा, सारे डिटेल सारा। आप कुछ भी करने की जरूरत नहीं, आपका प्रॉपर जो वो प्रॉपर डिजिटल हो जाएगा। अगर आप देखना चाहते हैं यहाँ पे आपकी सारी लिस्ट बनती जाएगी, आपने पूरे स्कूल के सभी बच्चों की लिस्ट को प्रिंट करना है, एक सेकंड में सभी को क्लिक किया, जस्ट एक सेकंड में आपको सारी की सारी लिस्ट आ जाएगी। आपने बच्चे का आईडी कार्ड क्रिएट करना है, किस बच्चे का आईडी कार्ड क्रिएट करना है वो भी सबका इकट्ठे क्रिएट करना है, जस्ट बच्चों को सिलेक्ट करके आप आईडी कार्ड, आईडी कार्ड में हमने यहाँ पे फैसिलिटीज़ और भी हमारे पास, अगर आप अपने डिज़ाइन चाहते हैं तो वो भी आप हमें प्रोवाइड कर देंगे, तो आपका उस हिसाब से भी हम लोग डिज़ाइन भी क्रिएट करके देंगे। हमारे पास यहाँ पे एक और भी फैसिलिटी देखेंगे, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट की फैसिलिटी है, अगर आप चाहते हैं कि आप एक्सेल में बच्चों को मेंटेन किए हुए डाटा जो ऑलरेडी सॉफ्टवेयर आप नहीं यूज़ कर रहे तो हम इम्पोर्ट भी कर सकते हैं। अगर बच्चों को एक्सपोर्ट भी करना है एक्सेल फाइल में तो वो भी हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। अब देखिए मैंने सिंपल एक्सपोर्ट पर क्लिक किया, नीचे सारी की सारी एक्सेल लिस्ट बन गई, जिसमें प्रॉपरली हर चीज़ को ए टू जेड पूरा सिंपल वे में कोई भी व्यक्ति, एक लेमैन पर्सन भी इजी वे में यूज़ कर सकता है इस चीज़ को। उसके बाद यहाँ पे अगर आप पूरे स्कूल को एसएमएस भी भेजना चाहते हैं तो आप एसएमएस भी भेज सकते हैं पूरे स्कूल को, आपके पास सिर्फ एसएमएस एपीआई होनी चाहिए, आप यहाँ पे कन्फिगर करके सभी बच्चों को भेज सकते हैं। लिस्ट हो गए, आईडी कार्ड, अगर बर्थडे सर्टिफिकेट, बर्थडे सर्च करना है किस बच्चे का आज बर्थडे है या किसी पेरेंट्स का है, उनको मैसेजेस भेजने, तो आप यहाँ से सारे आप सर्च कर सकते हैं, जो उस दिन भी रहेगा वो आपको साथ साथ दिखाई देगा, आप खुद भी सर्च कर सकते हो। उसके बाद बच्चों को अपने एडमिशन वाइज, क्लास वाइज, रोल नंबर वाइज किसी भी तरह से सर्च करना है तो आप इसको सर्च कर सकते हैं। तो ये हमारा जो है एडमिशन का फॉर्म था प्रॉपरली, कि जिसमें आपने एडमिशन सारी बच्चों की पूरी डिटेल फिलअप करनी है। सो नेक्स्ट वीडियो में भी हम आपको सारे स्टेप बाय स्टेप सभी वीडियो आपको आएंगी स्कूल मैनेजमेंट की। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल को देखते रहिए, और कुछ और भी न्यू अगर अपडेट्स आपके माइंड में है कि इसकी भी वीडियो होनी